अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई और दोस्तों, आज मैं आपको ईद के दिन वाली कीमा गोश्त की रेसिपी के पकौड़े बनाने की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, बड़ी मज़ेदार गर्म गर्म पकौड़े बन रहे हैं। ये जो बड़ा गोश्त होता है, इसका कीमा हम बना कर फिर इसके पकौड़े बना रहे हैं। ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आपको मैं दिखा रहा हूँ आज। सबसे पहले हमने गोश्त का जो है इसका कीमा बना लेना है, यानी कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, सही है। उसके बाद ये जो मैदा होता है पकौड़ों वाला, इसको जो कीमा है इसमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इस कीमे को मैदे में मिक्स करने के बाद हम घी गरम कर लेंगे। ये देखें, चूल्हे पे घी एक बर्तन में हमने डाल दिया है। इसको बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए फिर इसमें ये कीमा जो है मैदे में जो मिक्स है ये डाल देना है। इसको डालने के बाद इसको ला रखे हैं ताकि ये सड़ ना जाए। ये देखें, बहुत अच्छी रेसिपी है ईद के दिन की, ज़बरदस्त फूड है। प्यारे बहन भैया, ये देखें, अभी पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको हम एक डिश में उतार रहे हैं सब पकौड़ों को। ये देखें, निकाल रहे हैं हम इस डिश में। अब बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो गई हमारे पकौड़ों की। ईद का दिन है, स्पेशल ईद के लिए वीडियो बनी है। आप लोग देखें, आप सबके घरों में गोश्त होगा, उसका कीमा बना रहे हैं। इसी तरह मैदा ले रहे हैं, इसी तरह मैदे में ये मिक्स कर दें। ये बेसन वगैरह भी होता है और मैदा भी इसमें मिक्स कर रहे हैं, सही है। इसको मिक्स करने के बाद इस तरह बना लें। आपको मैंने तरीका ये बता दिया है। तो दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।